एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सगोनी इलाके में एक हादसा हुआ है। यहां पर एक शादी की लगन रस्म में शामिल होने के बाद बोबई गांव के 14 लोग एक पिकअप वाहन में सवार होकर वापस लौट रहे थे। अचानक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे पुलिया में गिरा और एक पेड़ से टकरा गया। हादसे की खबर लगते ही जेरठ पुलिस चौकी पुलिस ने मोर्चा संभाला और घायलों को पथरिया स्वास्थ्य केंद्र भेजा। यहां पर एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, जबकि यहां मरीजों को प्राथमिक उपचार देने के बाद 8 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि 5 का इलाज पथरिया में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। अरे तो नहीं रोकना था, बताना था थोड़ा। हाँ ठीक है। और तो नहीं लगी कोनों को ज्यादा आज अभी कॉल आया। अभी तक कुल मिला के पथरिया के पास जो सड़क हादसा हुआ है उसमें 8 लोग जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं। उसमें 2 बच्चे हैं, एक 13 साल की लड़की है और एक 8 साल का लड़का है। उसमें से सिर्फ अभी जानकारी के मुताबिक एक ही मरीज को छाती में दर्द की कंप्लेन है, जिसका सीटी स्कैन कराया जा रहा है और सबका प्राथमिक उपचार करके एडमिट कर दिया गया है। शुभ नाम सर। एक अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि सगोनी कला में एक पिकअप से टकरा गई है। तत्काल घटनास्थल पर पहुँच कर महिलाओं को यहाँ पतरिया सीएससी पतरिया पहुँचाया गया था, जिसमें इलाज करके जिसमें कुल 14 लोग घायल हैं, मैं ड्राइवर थे, जिसमें से एक व्यक्ति में मुलाकात हो गया है। कहाँ के निवासी कहाँ गए थे? ये अधिकांश सभी लोग बोबई के हैं। ये बोबई से बिजौरा लखनऊ लेके गए थे और लखनऊ से वापस आते समय यह हादसा हुआ है।